हेलो फ्रेंड, वेलकम टू किचन अडोरा। आज चटपटी चीज़ बनाते हैं जो कि है आलू टिक्की चाट। तो सबसे पहले हम आलू टिक्की प्रिपरेशन देख लेते हैं। बॉइल्ड पोटैटोज़ उनको मैश कर दिया है, उसके अंदर जाएगा फाइनली चॉप्ड ओनियन, ग्रीन चिली, कोरिएंडर, चाट मसाला, नमक, ब्रेड क्रम्स। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब इसके छोटे छोटे पोर्शंस लेके हम टिक्की का शेप देंगे। ये टिक्की बिल्कुल बाहर जैसी लगती है टेस्ट में, प्लीज़ ट्राई कीजिए, बहुत इजी है, बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरह हम सारी टिक्की अपनी बना लेंगे। इन मीन टाइम मैंने नॉनस्टिक तवा गैस पे ऑन कर दिया, उसको हीट कर लिया, उसमें ऑयल डाल दिया 2 टेबल स्पून। अब वन बाई वन करके हम अपनी टिक्की प्लेस करते जाएंगे उस पर। अब उसको हम फ्लिप करके दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर तक हम उसको फ्राई कर लेंगे। शैलो फ्राई करना है। सो देखिए हमारे टिक्की का कितना अच्छा कलर आ रहा है। से इसी तरह हम सारी अपनी टिक्कियाँ तल लेंगे। सो देखिए हमारी टिक्की रेडी है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम पापड़ी प्रिपरेशन के देख लेते हैं। उसके लिए हमें मैदा चाहिए। मैदा में पहले मैंने नमक डाला, थोड़ा सा मंगरेला यानी ओनियन सीड, सूजी, सूजी इसको क्रिस्पीपन देता है तो ज़रूर डालिए। अगर 150 मैदा है तो उसमें 25 ग्राम्स ऑफ सूजी डाला, 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, टीस्पून मोइन खास्ता करने के लिए, इसको ज़्यादा खास्ता मत कीजिएगा, क्रिस्पी अच्छी लगती है पापड़ी। अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेंगे। नाउ हम इसमें ग्रेजुअली वाटर डालेंगे ताकि हमारी कड़ा डो बने। हमें सॉफ्ट नहीं, कड़ा बनाना है। देखिए इस तरह कड़ा डो बना लेना। इसको अब हम रेस्ट करने देंगे फॉर 10 to 15 मिनट्स। अब इसके छोटे छोटे लोइया ले ली मैंने, और इसको छोटी छोटी जैसे पूड़ी बेलते हैं उस तरह हम इसको बेल लेंगे। देख लीजिए हमारी छोटी पूड़ी की तरफ बेल आ गई है। अब इसको फॉक से छेद कर दें ताकि ये फूले नहीं। पापड़ी फूली हुई नहीं होती है, पिचकी पिचकी होती है, तो इस टाइप ही होनी चाहिए। और तेल गरम करके मैंने इसको फ्राई कर लिया है, और इसको गोल्डन ब्राउन कलर तक फ्राई करना है। लाइट ब्राउन कलर होने पे इसको निकाल लेंगे तल के। सो देखिए ये तल आ गया, मैं निकाल ली। तो इसी तरह हम अपनी सारी पापड़ियाँ बना लेंगे। तो पापड़ी भी रेडी हो गया। तो अब सर्विंग टाइम हो गया। सबसे पहले मैंने दही डाली है। दही को अच्छे से फेंट लें, उसमें नमक चिरवानी डाल के बना लें। नमक की जगह काला नमक इस्तेमाल कीजिए, और टेस्ट अच्छा लगेगा आपको। उसके ऊपर मैंने टिक्की प्लेस की अपनी, जो आलू की टिक्की बनाई थी। देन ग्रीन चटनी, देन आई ऐड ओनियन एंड मिर्ची, इमली की चटनी डाल दी। नाउ आई स्प्रिंकल आलू भुजिया ऑन इट। अब पापड़ी को हाथ से तोड़ के क्रश करके डाल दीजिए। नाउ आई ऐड टमाटो सॉस, थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दिया। अब लास्ट में थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे हम चाट मसाला। गाइस प्लीज़।